चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड है ट्रिग्नो और दूसरा है मेट्रॉन। ट्रिग्नो मीन्स ट्रेंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजर। सो इट डिफाइंड एज ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रेंगल। ये इसकी डिफिनेशन हो गई इंग्लिश में। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी में, इसको हम हिंदी में भी समझ सकते हैं, त्रिकोण मिति। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति, तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज, तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। और मिति का अर्थ होता है माप, मिति का अर्थ होता है माप अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन कहलाता है त्रिकोण मिति। यह गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये इसका डिफिनेशन है। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब ये समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, इस समकोण त्रिभुज में ये एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज का मतलब यहाँ पर एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ हमने ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया और यहाँ पर सी लिख दिया, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। यहां पर ए लिखते रहे हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है। किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अनुपात, तो समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा, इसमें भुजा कौन सी है, भुजा को साइड कहते हैं इंग्लिश में, साइड। तो किन्हीं भी दो साइड का जो रेशियो होता है, किन्हीं भी दो साइड का जो रेशियो होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टोटल 6 होते हैं, जो कि हमने लिख लिया है यहाँ पर। इसको ज पढ़ा जाता है हिंदी में और इसको साइन पढ़ा जाता है, इसको कोजा पढ़ा जाता है या कोटिजा पढ़ा जाता है। कोसाइन होता है, अस्पर्शजा या अस्पर्शजा टेंजेंट होता है, व्युत्क्रम जा होता है, स्केंट जा होता है, व्युत्क्रम जा कोसेंट होता है, व्युत्क्रम स्पजा को टेंजेंट होता है। ये तो इसका लॉन्गेस्ट फॉर्म है। अब इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होता है, यानी संक्षिप्त रूप क्या होता है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। कोसाइन को, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टैन लिखते हैं, सेकेंट को सेक लिखते हैं, को सेकेंट को कोसेक लिखते हैं और को टेंजेंट को कॉट लिखते हैं। कोसेक दो तरीके से लिखा मिल जाएगा, सी एस सी भी किसी किसी बुक में ये देखने को मिलता है। ये इसका हिंदी शॉर्ट फॉर्म है। हम लोग जो जनरली यूज करेंगे वो इन रेशियोज को यूज करेंगे, ये जो रेशियोज हैं इन रेशियो को यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने देखा कितने रेशियोज हैं, 6 रेशियोज हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन्हीं का हम लोग आगे यूज करेंगे। यूज कैसे किया जाता है उस चीज के लिए हम लोग आगे देखते हैं, रेशियोज का यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल बनाया है, जिसमें हमने बनाया है त्रिभुज समकोण। यहाँ पर हमने दो समकोण त्रिभुज लिए हैं, ए बी सी और ए बी सी। जनरली जो ये साइड होती है ए बी, इसको हम लोग बेस मानते हैं, और ये जो साइड होती है बी सी, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 की जो सामने साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस फिगर में हम लोग
जो अपोजिट साइड है यानी जहां पर हम लोग एंगल लेंगे, जो एंगल होगा वहां पर ही उसके अपोजिट, अगर एंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं तो इसके अपोजिट जो साइड है वो ये वाली साइड है, अगर एंगल हम यहाँ सी ले रहे हैं तो इसके अपोजिट जो साइड है वो यहाँ पर होगी। एंगल चेंज होगा तो साइड भी चेंज हो जाएंगी, अपोजिट का कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसका जो बेस है उसको हम लोग यहाँ पर एडिसेंट बोलेंगे, बोलेंगे इसको साइड एडिसेंट टू एंगल ए, जहाँ पर एंगल बनेगा उससे लगी हुई जो साइड होती है उसको एडिसेंट बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एंगल सी की बात करते हैं यहाँ पर, तो सी से लगी हुई जो साइड है वो एडिसेंट साइड हो जाएगी और जो इससे दूर साइड है वो इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी। अब इसके बाद में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उन पे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा इनमें से कोई भी एंगल हो सकता है, इसके जो दो एक्यूट एंगल हैं, इस ट्रायंगल के जो दो एक्यूट एंगल हैं उसमें थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। साइन थीटा के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको मास्टर फार्मूला बता रहे हैं, इस फार्मूले को रट लेना है, इसी से पूरा का पूरा त्रिकोणमिति हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, एकदम से समझ लीजिए, बस इसको याद करना ही करना है। उस फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं, पी बी पी बटे में एच बी, याद कैसे करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये इसकी ट्रिक है। क्या करना है इसमें, ये जो फंक्शन दिख रहा है जो हम लोगों ने रेशियो पढ़े थे उन रेशियो में यह कार्य करेगा साइन का, तो यहाँ पर हम इसको साइन थीटा लिख दे रहे हैं। ये जो बीच वाला फंक्शन है ये किसके लिए काम करेगा, ये काम करेगा कॉस थीटा के लिए। जो बचा हुआ फंक्शन है ये काम करेगा किसके लिए, टैन के लिए, तो इसको हमने टैन थीटा लिख देंगे। थीटा क्या है, थीटा इन दोनों एक्यूट एंगल में से कोई भी एंगल हो सकता है, जिधर भी हम लोग थीटा की बात करेंगे उसके अपोजिट यानी उसके परपेंडिकुलर साइड में, जहां पर एंगल की बात करेंगे उससे जो लगी हुई साइड होगी उसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलेंगे या उसको बेस बोलेंगे। चलिए यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू लिख दे रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, पी बाई एच, पी बाई एच। अच्छा इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, पी कहाँ पर है, पी ये परपेंडिकुलर इसका है, और पी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी, और अपॉन में एच का मतलब हाइपोटेन्यूस है जिसको हम लोग ए सी लिखेंगे। इसी चीज़ को हम लोग अपने कॉपी में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइड साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइड अपोजिट टू थीटा, ये थीटा क्या होगा, हमने फिर से बता रहे हैं कि थीटा यहाँ पर कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है, जहां पर थीटा रहेगा उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड यहाँ पर ऊपर लिखनी है, और इसका जो हाइपोटेन्यूस रहेगा या कर्ण रहेगा उसको हमेशा नीचे लिखना है। ये हो गया हम लोगों का साइन का फार्मूला। इसी में अगर हम लोग बात करते हैं कॉस का, तो इसमें कॉस के फार्मूले को हम लोग फिर से लिख ले रहे हैं यहाँ पर, कॉस थीटा बी अपॉन एच, बी का मतलब बेस होता है, बेस इसमें क्या है, ए बी है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूस है तो यहाँ पर हम लोग ए सी लिख दे रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर जो भी थीटा होगा, हम मान ले रहे हैं कि थीटा यहाँ पर होगा, तो उससे थीटा से लगी हुई जो साइड होगी वो साइड आप एडिसेंट कहलाती है, तो उसको हम लोग लिखेंगे साइड एडिसेंट टू थीटा, जो थीटा के एडजेसेंट साइड है उसको लिखेंगे, और अपॉन में यहाँ भी हाइपोटेन्यूस लिखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टैन की,
तो टैन थीटा लिखेंगे। टैन थीटा क्या होता है, पी अपान, टैन थीटा में क्या लिखेंगे, पी अपान बी। पी क्या है, परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर, तो यहां पर लिखेंगे इसको बी सी, और ये बी बेस होता है तो ये बेस है इसका ए बी, तो यहां पर हमने लिख दिया ए बी, इसको हमने लिख लिया है। बीसी कौन सा है, बीसी अगर हम लोग मान लिया ये थीटा है तो बीसी इसके अनुसार ये है, तो यहां पर लिख साइड अपोजिट टू थीटा, और अपॉन में क्या लिखेंगे, ए बी। ए बी क्या है, इसका बेस है, तो ए बी में हम लोग लिख देंगे साइड एडिसेंट टू थीटा, साइड एडिसेंट टू सीटा थीटा, ये चीजें हम लोग ने लिख लिया। अब बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनको कैसे लिखेंगे, वो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, इन्हीं के यानी साइन कॉस और टेन के अपोजिट होते हैं, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। जो साइन होता है वह कोसेक का अपोजिट होता है, किसका अपोजिट होता है, कोसेक का अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट यानी यहां पर हम लिख लिख सकते हैं वन बाई साइन, रेसिप्रोकल ले ले रहे हैं वन बाई साइन। तो वन बाई साइन का मतलब क्या हुआ कि इस वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं वन बाई पी और अपॉन में एच, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एच बाई पी। इसी तरीके से जो कॉस होता है इसका अपोजिट सेक होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेक थीटा, तो वन बाई यहाँ पर लिख लेंगे कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई बी अपॉन में एच, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं एच बाई बी। टैन का अपोजिट या रिसिप्रोकल जो होता है वो काट होता है, वन बाई टैन थीटा इक्वल टू वन बाई पी बाई बी इक्वल टू बी बाई पी। तो ये हम लोगों ने सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए। हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसमें केवल साइन कॉस और टैन को ही निकालेंगे, कोसेक सेक और कॉट इनके रिसिप्रोकल से ही हर बार हम लोग फाइंड करेंगे। रिसिप्रोकल में हम लोग करना क्या होगा कि जब भी हम लोग कोसेक की वैल्यू लिखेंगे तो डायरेक्टली इस बीच वाले प्रोसेस को ना लिख कर डायरेक्टली हम लोग लास्ट वाले प्रोसेस को लिखेंगे क्वेश्चन में। और इन सबको जानने के लिए एक और भी हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, जिसमें टैन की वैल्यू भी हम लोग नहीं निकालेंगे, उसको भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हम लोग लिखेंगे टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच, और कॉस थीटा की वैल्यू बी बाई एच। इन दोनों को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो पी बाई एच इंटू एच बाई बी, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा पी बाई बी। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आई है वही वैल्यू यहाँ पर भी लिखी गई थी। इस तरीके से हम लोग टैन का एक और भी पैटर्न हम लोगों को समझ में आया कि टैन का जो रेशियो निकालना है वो हम लोग साइन और कॉस को एक साथ डिवाइड कर देंगे तो टैन का रेशियो मिल जाएगा। इस तरीके से जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोगों को निकालने हैं उनमें से केवल और केवल हम लोग दो ही रेशियो निकालेंगे, साइन और कॉस, और जो बचे हुए आइडेंटिटीज हैं या जो बचे हुए रेशियोज हैं उनका अनुपात हम लोग उसके रेसिप्रोकल से निकाल लेंगे। भी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे जाएंगे इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता है, यानी ये जो हमने कैपिटल लेटर लिखा है, अगर आप साइन के कोई भी रेशियो जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं तो ये गलत माना जाता है। दूसरी चीज क्या है कि कभी भी इस तरीके से अगर हमने मान लो फर्स्ट लेटर को इस्माल कर दिया और उसके साथ जो एंगल दिया है उसको हमने इस्माल कर दिया, उसको भी इस्माल कर दिया, तो ये प्रोसेस भी आपका गलत माना जाता है। इसका मतलब हम इस तरीके से भी इसको नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको नहीं लिख सकते। फिर लिखना कैसे चाहिए, यहाँ पर जो भी रेशियोज रहते हैं उनका फर्स्ट लेटर इस्माल रहता है और जो उसके साथ एंगल इंक्लूड किया जाएगा उसका लेटर कैपिटल रहता है, ये इसका लिखने का सही प्रोसेस होगा। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है
काट ए, तो हम लिखेंगे काट और यहां पर लिखेंगे कैपिटल में ए। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है टेन ए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेन और कैपिटल में लिखेंगे ए। या मान लो कि हमको और भी कोई भी रेशियो लिखने होंगे, तो उसमें हम लोग जो लास्ट में एंगल यूज करेंगे उसके साथ, उसका लेटर कैपिटल रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्या काट और ए दो अलग अलग आइटनीज हैं, तो इसमें आंसर होता है नहीं। काट ए या साइन ए या टेन ए, यह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ना कि टेन इंटू ए का कोई फॉर्म है। ये टेन इंटू ए यानी टेन गुड़े ए का प्रोडक्ट नहीं है, यह अपने आप में ही एक रेशियो है बिना एंगल के। यानी अगर हम यहां से एंगल को इरेज कर देते हैं, तो इसका अपना खुद का कोई मतलब नहीं होगा किसी भी पैटर्न में। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ए को इरेज कर दिया, अब इस कार्ट का अपना कोई मतलब नहीं होगा। इसका मीनिंग तभी आएगा जब इसके साथ कोई ना कोई एंगल इंक्लूड किया जाएगा। वह एंगल थीटा हो सकता है, वह ए लिखा जा सकता है, बी लिखा जा सकता है, कोई भी अल्फाबेट लिखा जा सकता है, अल्फा बीटा गामा थीटा लैम्डा, कुछ भी यहाँ पर ग्रीक के वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, या हम लोग कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना जरूरी है। यह दो चीजों का प्रोडक्ट नहीं होता है, यह एक ही रेशियो होता है। सीखने के बाद एक चीज हम लोगों को और भी याद करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, जहां पर ये एंगल बनता है उसको बेस बोला जाता है, 90 के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बस इसी को हम लोगों को याद रखना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यह फार्मूला और वो तीन रेशियोज, इन्हीं से हम लोग पूरी की पूरी त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। ये दोनों फार्मूला याद होना। चलिए इस पे बेस हम लोग अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस जो हम करवा रहे हैं शुरू शुरू में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, लेकिन उसको हमने टाइप वाइज डिसाइड कर रखा है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जो सबसे पहले वह टाइप 1 है, कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए टाइप 1। टाइप 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉस ए टेन ए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, इसको इसीलिए हमने टाइप फर्स्ट माना है, कि यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया जाएगा, एक रेशियो दिया जाएगा हमसे, उससे ही रिलेटेड और अलग अलग रेशियोज पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमको दे रखा है sin 3/4, तो ऐसी कोई रेशियो दी जाएगी, तो हम लोग सबसे पहले मांगेंगे कि लेट द ट्रेंगल ए बी सी अ राइट एंगल एट पॉइंट बी। यहाँ पर एक ट्रेंगल बना ले रहे हैं जिसमें ये कोण हम बी 90 डिग्री मान ले रहे हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रेंगल है। अगर हम लोग यहाँ पर साइन की बात करें, तो साइन को हम लोग लिख क्या सकते हैं, साइन की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर होता क्या है, ये यहाँ पर ये सी पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका परपेंडिकुलर। हमने अभी बताया कि जब भी साइन की बात करेंगे तो यहाँ पर अपोजिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसका परपेंडिकुलर लिख दे रहे हैं डायरेक्टली बी सी, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का क्या है ए सी, और इक्वल टू में आ जाएगा कितना 3/4, 3/4। अब 3/4 ये हो गया, इस वैल्यू को हम लोग इसमें यूज कैसे करेंगे। अब यहां से हम लोग अगर बात करें, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू 3x, ए सी इक्वल टू 4x। Where x is a
पॉजिटिव नंबर। यक्स क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। यक्स कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यक्स कोई एक पॉजिटिव नंबर है। अब इसके बाद में हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 3x और यहाँ पर 4x बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है? एक्चुअल में होता है ए का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर स्क्वायर। एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 4x और इसका कर देंगे स्क्वायर। बीसी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3x और इसका स्क्वायर कर देंगे। और एबी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 या 16, एक्स स्क्वायर, 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। और अगर हम लोग बात करते हैं स्क्वायर, इस वैल्यू को हम इससे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो आ जाएगा 7x² इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू रूट अंडर 7x². एक्स पे स्क्वायर है इसलिए वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो यहां पर लिखेंगे 7x। यहां पर हम लोग देख सकते हैं 7x। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो ट्रायंगल बना हुआ था उसमें ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 7x आ गई है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए बी की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 7x। बी सी की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 3x रूट अंडर 7 है, सॉरी ये रूट अंडर 7 आएगा। और ए सी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4x। अब जो वैल्यूज हमसे पूछी गई हैं उन वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। हमसे पूछा गया कॉस ए और टेन ए, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख दे रहे हैं कॉस ए इक्वल टू, कॉस में हमने क्या बताया था कि जो बेस रहता है उसको ऊपर लिखना है। बेस को हमने बी लिखा था और हाइपोटेन्यूज को यहाँ पर एच लिखा था। बेस कितना है इसमें? रूट अंडर 7 और एक्स है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 4x। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा रूट अंडर 7/4, इट इज आंसर। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टेन ए की, तो टेन ए इक्वल टू, टेन में हमने बताया था जो परपेंडिकुलर रहता है वो ऊपर रहता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख दिया और साथ ही साथ इसका बेस नीचे रहता है तो हमने बेस लिख दिया। परपेंडिकुलर दे रखा है 3 और बेस दे रखा है इसका रूट अंडर 7x। एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3/√7, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने जो दोनों गिवेन वैल्यूज थी वो निकाल दिया। और भी रेशियोज अगर इसमें पूछे जाते हैं तो उसको हम लोग आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन सब की वैल्यू को फाइंड करना है। हमने शुरू में बताया था केवल और केवल हम लोग दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे, जिसमें एक कॉस होगा दूसरा साइन होगा। फिर यहाँ पर तो हम लोगों को कोसेक दे रखा है, सेक दे रखा है। सेक का अपोजिट हमने क्या बताया था? जो हमने अपोजिट बताया था वो कॉस था। यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिख लेते हैं। अपोजिट करेंगे क्या? इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। इसको अपोजिट करके हमने लिख दिया। साइन की वैल्यू हमने क्या बताया था कि ये वैल्यू जो होती है वो बेस रहता है और यहाँ पर क्या रहता है? हाइपोटेन्यूस रहता है। फिर हम लोगों को मिल गया कॉस का फंक्शन। अब हम लोग इस वैल्यू में क्या करेंगे देखते हैं। लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल मानेंगे। ए बी सी, बी इसका 90 डिग्री पे है यानी ये बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 13। और अगर हम लोग बात कर यहाँ पर बेस की तो बेस दे रखा है इन्होंने 12। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर ये वैल्यू कितनी दे रखी है? थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस
ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ऐसे ही लिखना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने एक्स नहीं माना है, एक्स मान भी सकते हैं, बार बार वैल्यू हम नहीं मान रहे हैं। जब कॉपी में आप लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मान के ही सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया गया था। ये 13 और 12 दे रखा, एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 13 दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे। बीसी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है यहाँ पर, और एबी की वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, 12 दे रखा है, तो 12 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, और यहाँ पर बीसी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो बीसी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा प्लस एसी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा 144। इस वैल्यू को इधर ले आकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर। यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो बी सी, तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा ये 5, ये 5 आ गया। अब यहां पर हम लोग वैल्यू इसके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 5। अब हमसे जो पूछा गया है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा गया है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन निकाल लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू हमने बताया था कि जो परपेंडिकुलर रहता है वो ऊपर रहेगा और हाइपोटेन्यूस उसके नीचे रहेगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, बी सी, और अपॉन में लिखेंगे ए सी। तो बी सी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 5, और ए सी की वैल्यू दे रखी है 13। इसी के साथ इसका जस्ट अपोजिट भी हम लोग निकाल ले रहे हैं, कोसेक होता है, तो कोसेक कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू में आ जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, तो 13/5, यानी इसी का रेसिप्रोकल हमने निकाल लिया। दूसरी वैल्यू हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टैन थीटा की, तो ये आ जाएगा टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, हमने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, सी बी या बी सी इक्वल अपॉन ए बी। बी सी की वैल्यू कितनी है 5, और ए बी की वैल्यू कितनी है 12, तो ये 5/12 हमारा आ गया टैन थीटा। इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा 12/5। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने निकाल लिया, एक तो पहले ही दे रखा था हमको कोसेक का, तो कोसेक से तो हमने एक वैल्यू यहां पर पहले ही निकाल लिया कॉस का, ये कॉस वाली वैल्यू हमने पहले निकाल लिया। इससे हमने ये फार्मूला ड्राइव की, इसको हमने सॉल्व किया, उसके बाद में ये जो वैल्यू आ गई बी सी, यहां से हमने टेन कोसेक और टेन और कॉट निकाल लिया, साइन कॉस टेन कॉट निकाल लिया। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन नंबर थर्ड की। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि इफ टेन ए इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा वैल्यू उसी में निकालना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि दे रख क्या रखा हमको, टेन की वैल्यू दे रखी है ए बाई 1/√3। टेन ए को हम लोग लिखते क्या है, तो टेन को हमने बताया था कि परपेंडिकुलर इसका ऊपर रहता है और बेस नीचे रहता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर अगर बेस की बात की जाए तो ये वैल्यू हमको दे रखी है। हमने बोला कि जब भी ऐसा कोई ट्रेंगल आएगा तो हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल मानेंगे, लेट अ राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी। तो एक राइट एंगल ट्रेंगल हमने यहाँ से मान लिया ए बी सी, ये एंगल हमने ए मान लिया, बी पे राइट एंगल है और ये सी मान लिया, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ पर बेस की वैल्यू दे रखी है √3। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को यहाँ पर, बी सी स्क्वायर, बी सी यहाँ पर 1 दे रखा है इसका स्क्वायर, प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू √3 दे रखी है, स्क्वायर कर लेते हैं 1 आ जाएगा, यहाँ 3 रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि जब भी कोई वैल्यू रूट में रहेगी, जैसे मान लीजिए हमने √√a लिख दिया, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ये a आ जाता है, इसी तरीके से रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, केवल दोनों को एक दूसरे में ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा −4। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4। ए सी की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें
तो रूट अंडर फोर और यहां से बाहर आ जाएगा टू। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों को परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज दे रखा है, कर्ण दे रखा है, उसकी वैल्यू कितनी है? टू है। ये रेशियो है, ये रियल वैल्यू नहीं होती है। चलो अब हम लोगों से जो वैल्यू पूछी जा रही है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है? साइन ए पूछा जा रहा है क्वेश्चन में हमको। हमसे पूछा क्या है? साइन ए पूछा है, तो साइन ए को हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। साइन ए पूछा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन ए इक्वल टू, साइन ए में हमने क्या बताया था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? वन, और हाइपोटेन्यूज कितना है? टू। इसी तरीके से हमसे पूछा है यहाँ पर कास ए, तो यहाँ हमने लिख दिया कास ए, तो कास ए, ए यहाँ पर है कास ए, ये इसका बेस हो गया और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस में वैल्यू कितनी रख दे रहे हैं हम? रूट अंडर थ्री, और अपॉन में लिख दे रहे हैं टू। और क्या हमसे पूछा है? हमसे पूछा है कास सी। क्या पूछा है? कास सी, कास सी। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर एंगल सी के बारे में हमसे पूछ रहा है। किस एंगल के बारे में पूछ रहा है? एंगल सी। और एंगल सी कहाँ पर है? एंगल सी यहाँ पर है। हमने बताया था कि जहां पर एंगल होगा उससे जो सटी हुई साइड होगी यानी उससे नजदीक जो साइड होती वो साइड हमारी बेस कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। और उससे जो दूर रहता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो कास में हमने क्या बताया था कि बेस ऊपर लिखा जाता है, तो बेस यहाँ पर क्या है? बेस यहाँ पर BC है, और हाइपोटेन्यूज तो दोनों ही केस में वही रहेगा AC। तो BC की वैल्यू कितनी दे रखी है? वन, और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है? टू। हमसे क्वेश्चन में साइन C भी पूछा है, साइन C पूछा है, तो साइन C, C की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये AB है और यहाँ पर हम लोग AC लिख देंगे, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। AB की वैल्यू कितनी है? रूट अंडर थ्री, और एसी की वैल्यू कितनी है? टू। ये हमने चारों वैल्यूज निकाल ली। अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है? बोल रहे हैं ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं और इन वैल्यूज का यूज करके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कास ए साइन सी। तो कास ए की वैल्यू कितनी? अभी हम लोगों ने निकाला कास ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? वन बाई टू। कास ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? वन बाई टू। जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे तो इस तरीके से इनके बीच में मल्टीप्लाई ही होता है। कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ लिखे गए हैं तो उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई रहता है। जब भी हम लोग वैल्यू रखेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। तो कास ए की वैल्यू सॉरी साइन ए की वैल्यू लिख दिया कास सी, तो कास सी की वैल्यू ये है, तो ए वन बाई टू है, तो यहां पर हमने लिख दिया वन बाई टू प्लस कास ए। तो कास ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? रूट अंडर थ्री बाई टू। कास ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? रूट अंडर थ्री बाई टू। तो यहां पर हमने लिख दिया रूट अंडर थ्री बाई टू इंटू साइन सी, साइन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? रूट अंडर थ्री बाई टू। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा वन बाई फोर, वन जा वन टू टू जा फोर प्लस रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री में करेंगे। अभी हमने बताया था कि जब भी कोई नंबर दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं एक रूट के साथ में तो उसका रूट हट जाता है, उसका रूट हट जाता है। चलो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा थ्री, और टू टू जा यहाँ पर फोर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यानी दोनों का हर सेम है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? फोर। फोर वन जा फोर यहाँ पर वन आ जाएगा, फोर वन जा फोर यहाँ पर थ्री आ जाएगा, फोर से फोर फोर यहाँ पर आ जाएगा और ये अपॉन में फोर आ जाएगा, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा वन। तो इसका आंसर कितना आ गया? वन आ गया। चलो इसी का दूसरा पार्ट जो हमसे पूछा गया था उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए उसके सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सबसे पहले हम लोग कास ए की वैल्यू लिखते हैं। कास ए की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? रूट अंडर थ्री बाई टू दे रखी है, तो रूट अंडर थ्री बाई टू इंटू रहेगा। कास सी, कास सी की वैल्यू हम लोगों को दिख रहा है, कास सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? वन बाई टू, तो वन बाई टू हमने लिख दिया। यहां पर साइन ए की वैल्यू चाहिए, साइन ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? वन बाई टू, तो साइन ए की वैल्यू हमने लिख दिया यहां पर
1/2 साइन सी की वैल्यू हमको चाहिए, तो साइन सी की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है रूट अंडर 3/2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, रूट थ्री का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यह आ जाएगा रूट अंडर 3, माइनस रूट थ्री का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यह आ जाएगा रूट अंडर 3/4। दोनों ही नंबर सेम है इसलिए ये दोनों नंबर कट जाएंगे, इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं इसी टाइप। क्वेश्चन नंबर फोर में बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, देन फाइंड फर्स्ट वैल्यू बोला जा रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरी वैल्यू इसी में फाइंड करना कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर टेन में इसको चेंज कर लेते, तो टेन थीटा इक्वल टू 7/8 सॉरी 8/7। अब हमने बताया था कि जब भी कोई भी ऐसा रेशियो दिखेगा तो हम लोग सबसे पहली बात जो है वो हम लोग एक ट्रेंगल मानेंगे। तो मान लिया कि हमने एक कोई ट्रेंगल है, एक कोई राइट एंगल ट्रेंगल है जिसका ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। टेन में हमने क्या बताया था कि जो टेन होता है वह परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसका परपेंडिकुलर कौन है? थीटा अगर यहां पर, तो ये इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर है तो ये 8 हो जाएगी, और बेस कितना हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है हाइपोटेन्यूज की। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम एट द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, फिर से वही फार्मूला हम लोग लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी, ए बी की वैल्यू है 7 इसका स्क्वायर, बी सी वैल्यू है 8 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ऐड कर लेते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13, तो ये आ गया 113। ए सी की वैल्यू ये आ गई, ए सी की वैल्यू है ये, ए सी की ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं रूट अंडर 1/3। अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही पूछा गया कि यहाँ पर हम लोग पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पहले निकाल ले रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा इस वाले ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 8, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका रूट अंडर 113। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉस थीटा हम लोग निकाल ले रहे हैं, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसका 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है रूट अंडर 113। इस दोनों वैल्यूज को क्वेश्चन में जो दिया गया है इस क्वेश्चन में पुट करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग यहाँ फिर से लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन में इस वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को हमने यहाँ पर उतार लिया, वैल्यू रखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 8/√113 यानी 113, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू, तो ये भी वही वैल्यू सेम है 1 अपॉन √113। अपॉन में कर लेंगे, यहाँ पर कास की वैल्यू रखनी है हम लोगों को 1 प्लस कास की वैल्यू 7 अपॉन √113, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस, यही वैल्यू फिर से लिखनी है 7/√113, ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ से हम लोगों को एक चीज समझ में आना चाहिए, ये लिखा क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी। अच्छा, जो एलजेब्रा में हम लोगों ने फार्मूले पढ़े थे वो सब
फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में सब वैलिड होंगे, यानी यहाँ पर भी उन फार्मूलों को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा ए प्लस बी और ए माइनस बी, फार्मूले में क्या पढ़ाया गया था हमको, ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर दो ब्रैकेट में अलग अलग लिखे हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। उसी के पैटर्न में इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ए का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस भी दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, तो वन अपॉन वन वन थ्री और इसका स्क्वायर अपॉन में करेंगे तो यहाँ पर भी वही लिखा ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ भी लिख देंगे वन का स्क्वायर माइनस सेवन अपॉन रूट अंडर वन वन थ्री और इसका स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। वन का स्क्वायर मीन्स वन, एट का स्क्वायर, एट एट जा 64। हमने बताया कि रूट का जब भी दो बार उसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है यानी स्क्वायर करेंगे तो वह रूट उसका हट जाएगा, तो यह आ जाएगा वन वन थ्री और अपॉन में यहाँ पर भी वही काम करेंगे, वन सेवन का स्क्वायर 49 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर अपॉन वन कर ले रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, वन वन थ्री, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वन वन थ्री माइनस 64 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे वन वन थ्री माइनस 49 और अपॉन में आ जाएगा वन वन थ्री। जब भी कोई भी दो वैल्यू जैसे आती हैं तो ये इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम सेम है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको सॉल्व करने के बाद में लिखेंगे कितना आ जाएगा, 13 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा हमारा 49 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 13 से 9 को सप्रेट करेंगे तो आ जाएगा 4 और यहाँ पर 10 से 4 को सप्रेट करेंगे तो आ जाएगा 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में सिंपली हमसे पूछा गया था काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमसे पूछा गया था। काट स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काट और यहाँ पर थीटा और इसका स्क्वायर, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता है, इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा की जो वैल्यू हमको है क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7/8, क्वेश्चन में ये वैल्यू पहले से ही दे रखी है, 7/8 जो है कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, उसी वैल्यू को हम लोग यूज करके यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो जब होल स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7/7 जा 49 और अपॉन में आ जाएगा 8/8 जा 64, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी दोनों आंसर सेम सेम आए हुए हैं। बस यहीं तक, आगे हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे टाइप नंबर 2, 3, 4 और 5 के बारे में, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज को हमने 8.1, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, 8.1 को हमने 5 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें हमने अभी केवल टाइप फर्स्ट कवर किया है, अगले वीडियो में हम टाइप 2, 3, 4 और 5 को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में, और जरूर ये बताना कि कौन सा पार्ट आपको ठीक से समझ में आया है और कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।